मैं बहुत चाहती थी कि किसी तरह मेरी मुलाकात आपसे हो। वो मौका कह सकती हूँ कि आपने मुझे दिया नहीं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, आपके काम की, आपके सोच की, बस ये कह सकती हूँ कि बहुत मेल नहीं खाता। हाँ ठीक है, इंडिविजुअलिटी होता है उसमें कंप्रोमाइज। सुरेश आप यहाँ आकर, एक बात आपने जाना होगा, मैं अपने स्टैंड पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, भगवान के सिवा और किसी को भी मैं सही हूँ तो नहीं मानता। वो एक मतलब बंदे का स्टैंड होता है, रहना चाहिए। और आज जो लिविंग रूम में हुआ उसके बाद आई कॉन्शियसली डिसाइडेड टू लाइक आई शुडंट टॉक ऑल दिस थिंग्स। नहीं सुरेश जी, बट आई डिसाइडेड टू गो अवे फ्रॉम दिस शो। हाय रतन, वुड यू लाइक टू मैरी मी? जस्ट आई लव यू। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मुझे अभी लगा कि आप सड़क चलते हुए इंसान की तरह बिहेव किए, जो कि मेरे स्वयंवर में मुझे नहीं लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। बहुत लोगों ने बोला कि सुरेश जब भी कोई पब्लिक फोरम या लिविंग रूम में कोई भी कमेंट्स मारता है, कोई भी उनका खिंचाई करता है, रिएक्शन नहीं देता, सिंपति लेते हैं उसी बिना रिएक्शन देखे। तो रतन जी का रिप्लाई, तभी राम कपूर जी ने जब पूछा कि रतन जी आप क्या सोचते हैं, उन्होंने क्लियरली बोला था कि सुरेश आपको उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए। लेकिन दो तीन दिन के बाद आज जो लिविंग रूम में हुआ वो क्वाइट अपोजिट था जिस टाइप से वो रिएक्ट, क्योंकि तीन दिन में एक स्टैंड लाइक यू टर्न, सडन यू टर्न उन्होंने अपने स्टैंड में लिया। तो मेरे को कहीं ना कहीं रतन जी में डाउट है कि वो किस बेसिस पे एंटायर प्रोसेस जो सिलेक्शन कर रहे हैं, किस बेसिस पे हुआ। आपने जब बोला सुरेश जी आप रोड में घूमते हुए गुंडा टाइप, मेरा बैकग्राउंड देखोगे जो आज इंसिडेंट हुआ उसके पीछे इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आई नो दैट, कोई और ऐसा कहे तो थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा, लेकिन आपको सच में मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जो आप काम करते हैं, जिस ढंग से आप बात करते हैं, इतनी सारी जो बातें हमारी होती रही हैं, वो सच में मैं सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि एक दूसरे से हम ऐसे मिल नहीं पाए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोग जब मिलते थे तो बातें हमारी बहुत एक्सचेंज होती थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और आपको समझना चाह रही थी। देखिए रतन जी, एक दिन ना एक दिन तो मेरे को जाना है। ऑलवेज मैं फर्स्ट डे भी बोला था, आज भी ये बोलूँगा, गो फॉर अ गाय हु इज ट्रू। बिकॉज एक बात आज नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों का दिल दुखेगा इसमें से। मेरे हिसाब से एज आई सेड, आई ओनली सी वन या टू गाइज एज ए ट्रू, लाइक आपका हस्बैंड की क्वालिटीज, एक्सेप्ट दैट आई डोंट सी। तो वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा कि कौन है, आप सही बंदे को सिलेक्ट करो, यू मेक योर लाइफ पार्टनर, दैट्स आई थिंक दैट इज माई बेस्ट विशेस फॉर माई सेल्फ। आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत बहुत खुश रखूंगा। मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरे याद साथ है। नहीं, मैं एज ए होल मेंटली प्रिपेयर्ड था कि जब भी जाऊंगा नॉर्मल वे पे जाऊंगा। ठीक है, इनिशियली मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि आज मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ। सुरेश जी जिस तरह गेम खेल रहे थे तो उनकी गेम का दी एंड हो गया, गेम ओवर हो गया, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि सुरेश जी अपनी गेम से आउट हो गए हैं। So, I didn't like him at all. So, अच्छा लगा कि आज जा रहे हैं। पता नहीं अनुपम का इतना फेवर क्यों होते जा रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा कि सब उसके अपोजिट में बोल रहे हो, तब भी यहाँ पे टिका हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि वर्क पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हमेशा उनकी काम की बातें होती थी और मुझे लग रहा था कि इनके अलावा कोई और नहीं जा सकता, क्योंकि बाकियों को मैं और जानना चाहती थी, सच ये है, और इनको मैं बहुत हद तक जान चुकी थी और मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। रतन के अपने हम सफर ढूंढने के इस सफर में साथ दिया है कई खास लोगों ने।
और आगे भी ऐसे कई खास लोग आएंगे जो रतन का साथ देंगे सही निर्णय लेने में। आज आप लोग हमसे थोड़ा बच के रहना। आज हम आपका सबका टेस्ट लेने वाले हैं। तो क्या कहना है रोहित के बारे में रतन? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दोस्ती ठीक है लेकिन समझदारी भी जरूरी है। अगर बच्चा बिगड़ जाता है तब ये वाली बातें हम बोलते हैं कि ओ यार ये तो माँ बाप ने बिगाड़ दिया। आपको डिसिप्लिन उसे सिखाना होगा। तो सर मैं कह रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन सिखाएंगे ना, जो टाइम कैसे सिखा रहे थे अभिनव थोड़ा सा गलत जरूर थे, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट थे बच्चे के मामले में। तुम्हारा बिजनेस ओरिएंटेशन क्या है? अभी मैं एक आईटी कंपनी में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर हूँ। तुम थोड़ा लेट हो गए हो अपने करियर एस्टैब्लिश होने। जहाँ सभी लड़कों को गुजरना पड़ेगा इन मेहमानों की परीक्षा से, वहीं रतन को भी गुजरना होगा एक परीक्षा से और मिलना होगा उन शख्सियत से जो होने वाली है रतन की सास। क्या होंगे इनके सवाल? कि आप शादी करेंगी कैसे, मैनेज कैसे कर पाएंगी घर को और आपके वर्किंग आवर्स? कल को ये ना हो कि थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप में ये फील करूं या और ये फील करें कि वो तो सेलिब्रिटीज है तो वाह वो तो हो गए। हमारे ना कुछ बंधन अभी 9 बजे के बाद नहीं बाहर इतना घूमना कि आपकी नाइट डे का पता ही नहीं लगता। क्या रतन दे पाएंगी इनके सभी सवालों के जवाब?